मोदी जी के दो आग हैं, एक है बाया है अंबानी और दाया है अडानी। और चुनाव आयुक्त तो हमारे गांधी जी के, न उनको कुछ सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न बोल पड़ता। जो मंगलसूत्र छीनने वाले लोग, अब मंगलसूत्र का महत्व बता कि संथाल का जो प्रोजेक्ट है, जो पावर प्लांट है, उससे पावर जनरेट करके बांग्लादेश को क्यों दे रहे, झारखंड को क्यों नहीं दे रहे? अदानी का पावर बांग्लादेश को, मतलब आप बांग्लादेश को समृद्ध कर रहे। पावर देना कहाँ है? बीएसएफ तो अमित शाह जी का है, पहले राजनाथ जी का था, वहां फुलझुरी लेके बैठाएगा बीएसएफ एसएसबी। दादा ये हेमंत सोरेन जो स्टार प्रचारक बने हैं, आप अति भाजपा को जेल से क्या करेंगे? देखिए हम लोगों ने जो पत्र आपको मिला होगा वो एक अप्रैल का है, चुनाव लंबा जाना है। हमने एक दरख्वास्त कर रखी थी हाईकोर्ट, वो ऑर्डर रिजर्व था, अब उसी के आधार पर हम लोगों ने एसएलपी भी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट पे कि उसमें फैसला आ जाए। तो यदि मान लीजिए हमें राहत मिल जाती, क्योंकि बीच में आप किसी को घुसा नहीं सकते, जो चुनाव आयोग का जो अपना नियम का नहीं, तो उसी प्रत्याशा में उनकी नाम है। बीजेपी आपका का जो में बना है उसको लेकर अटल जी ने ही समाप्त कर दिया था, और उसके बाद फिर जब यूपीए का गवर्नमेंट आया 933 बोलते हैं उसको, उस नियम, तो फिर उसमें कुछ शिथिल किया गया और एक असेसमेंट के बाद डिपेंडेंट को नौकरी दिया गया। लेकिन अब तो वहां पर नया रिक्रूटमेंट बंद ही हो चुका है, अब तो सब मोदी जी आने के बाद में कोल इंडिया माइनिंग तक आउटसोर्स हो गया। और जब आउटसोर्स हो जाता है तो ना वहां आरक्षण रहता है, ना वहां कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है। यही तो है पूंजीपतियों की सरकार, यही तो है मोदी सरकार कि मजदूरों का शोषण करो। मजदूर जो श्रम कानून है जिसके तहत जिस यूनिट में 10 भी लोग काम करते थे तो वहां पर श्रम कानून लागू हो जाता था। केंद्र सरकार ने उस श्रम कानून को भी बदल दिया, अब एक ही 100 के बाद ही उसको श्रम कानून माना जाए। तो श्रम विरोधी, किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आपको दलित विरोधी, मूलवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, इनका तो हर सेक्शन में केवल एक ही दिखता है, मोदी जी के दो आंख है, एक है बाया है अंबानी और दाया है अडानी। और चुनाव आयुक्त तो हमारे गांधी जी के, न उनको कुछ सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न बोल पाते। उनका विश्लेषण कर लीजिएगा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा, बाकी दोनों जो नए आए हैं साइड साइड कर दीजिए। दादा एक सवाल है, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता तो जिस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है कार्यवाहक, उनको विशिष्ट अधिकार केवल इतना है कि उनके साथ सुरक्षा का मसला जुड़ा हुआ, अन्यथा वो एक प्रत्याशी है। कोई यदि इतना झूठ बोले और आपराधिक झूठ बोले, उस पे एफआईआर दर्ज ना होकर
उसके पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस जारी। और देखिए अजीब स्थिति है चुनाव आयोग का, राहुल गांधी पे भी उनके अध्यक्ष को बोला गया। राहुल गांधी का जिस भाषण को उद्धृत किया गया वो असमानता पर था, आर्थिक असमानता पर। जो रिपोर्ट आई उसको आधारित था, जो बौद्धिक विषय है। और प्रधानमंत्री का जिस भाषण तक किया गया वो आपराधिक विषय है। तो आप बताइए चुनाव आयोग ने कहा दादा, उनके पास तीसरा सवाल है हमारा कि जो कोल बियरिंग एक्ट था उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की गई, क्योंकि ये पूरा इलाका लोहा और कोयला का, वहां से एनवायरमेंट इंपैक्ट एसेसमेंट को क्यों हटा दिया गया? पर्यावरण का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसकी जो विश्लेषण है उसको क्यों हटा दिया गया? कोल बियरिंग एक्ट में एक और एसेसमेंट है, सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट, उसको भी शिथिल कर दिया गया। मतलब वहां के डेमोग्राफी को असंतुलित करने के लिए यह प्रयास किए गए ताकि अवैध रूप से बाहरी व्यक्ति यहां पर घुस जाए। उसी एक्ट में आपने ग्राम सभा को क्यों समाप्त कर दिया? ये क्या बतलाता है कि आप झारखंड के हित में है, इस देश के हित में है, इस देश के आदिवासी मूलवासी के हित में है या विरोध में? और मेरा चौथा सवाल, प्रधानमंत्री जी आ रहे, उनको बताना पड़ेगा 10 सालों में एचईसी कैसे बर्बाद हुआ? राजधानी के आर्थिक मेरुदंड को उन्होंने क्यों तोड़ दिया? यहां राम रहीम नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, यहां मटन मछली भी नहीं चलेगा। आपका झूठ का दुकान बंद हो गया। आपको इलेक्शन कमीशन जितना भी सहूलियत दे रहे आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे। आपको चुनाव आयोग अभी एक ही काम कर सकता है कि 400 के जगह में 800 सर्टिफिकेट आपको पहले से छपवा के दे दे। चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि उन्होंने परमिशन कैसे दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोल दिया कि हम वहां पर नहीं रख सकते क्योंकि वहां चौपड़ियों की संख्या ज्यादा है। ऐसा बेवकूफ जैसा सवाल ये लोग कह करता है, पढ़ता लिखता नहीं है कई लोग भाजपा का, हम लोग पढ़ाएंगे। तो चमड़ा लिंडा का नाम क्यों नहीं रहेगा? जिस दिन उनका चिट्ठी निकला
उस दिन वो नामांकन कर लिए थे क्या? अब क्या होगा? अब पार्टी सोचेगी। दादा दादा जी, कल कल्पना जी का नॉमिनेशन होने वाला है, कल वही 11 बजे का समय है गिरिडीह में, सभी नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, कांग्रेस के भी रहेंगे, राजद के भी रहेंगे, हमारे जी। दादा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में जिस तरह से भाषा को उपयोग कर रहे हैं, मुसलमान को घुसपैठ कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? उसी पे नोटिस हुआ है, क्योंकि वो तो और भी बहुत कुछ बोले है ना, मंगलसूत्र पे भी बोले है, उनको मंगलसूत्र पे बोलना कितना शोभा देता है, वो तो जिनके साथ उन्होंने सात फेरा का कसम लिया था, जो मंगलसूत्र छीनने वाले लोग, अब मंगलसूत्र का महत्व बता। इस बात का भी विरोध करेंगे कि मोदी को लेकर जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गोली मार देंगे, किसी ने कहा कि सारे 400 फिट नीचे गार देंगे, या इसका भी विरोध करेंगे? निश्चित तौर पे कोई किसी को कैसे गोली मार सकता है? सीट पे सीट सब सीटें दस आ दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी।